हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांशु सिंह। पहले हम लोग टीवी को ऑन कर लेते हैं। जैसा मैंने ओवरव्यू में आप लोगों को बताया था कि इस टीवी की जो भी स्पेक्स थी, तो हम लोग इसे ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड जो है, अभी ये एंड्रॉयड टीवी है, जैसा कि यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये आएगा जो उसका मेन फ्रंट व्यू है, जो भी आता है यूआई पेज, जिसे हम लोग कहते हैं मेन पेज। तो उसके पहले हम लोग रिमोट के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो फ्रंट की तरफ है सबसे ऊपर वो है पावर बटन, उसके नीचे अगर आप D2H एयरटेल आप यूज़ करते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे। उसके नीचे एरो की आता है, और जो आप लेफ्ट राइट जा सकते हैं, और उसके नीचे होम बटन आता है। आप कुछ भी वर्क कर रहे हैं, आप होम बटन प्रेस करेंगे तो आप मेन पेज पर आ जाएंगे। और उसके बगल में जो बैक बटन आता है, बैक बटन है, उसके बगल में जो है आपको जो मेन्यू बटन मिलता है, और आपको नीचे की तरफ जो है वॉल्यूम अप डाउन गूगल असिस्टेंस का आपको बटन दिया जाता है, और जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड और प्ले का बटन आपको दिया जाता है। ये एक स्मार्ट टीवी है, तो हम लोग स्टार्ट भी स्मार्ट तरीके से करेंगे। प्ले स्टोर पे हम लोग पहले जाते हैं, और यहाँ से जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं ऐप्स, तो आप उसे स्पीक कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट करता है, जैसे आप देख सकते हैं मैं यूज़ करूँगा ES फाइल मैनेजर। देखिए ES फाइल मैनेजर मैंने बोला और उसे डिटेक्ट कर लिया, और मैं इसे जो है यूज़ करूँगा। उसके पहले हम लोग जाते हैं मेन मेन्यू में, और मेन मेन्यू में जाने के बाद हम लोग एप्लीकेशन में जाते हैं। वहाँ पे देखिए जो मैंने इंस्टॉल किया ये फाइल मैनेजर आपको नीचे की तरफ बिल्कुल दिखेगा। जी हाँ, बिल्कुल लास्ट ऐप। और ये जितने गूगल ऐप्स को छोड़ के जितने भी ऐप्स आपको दिख रहे हैं, हॉटस्टार वगैरह, जो भी मोबड्रो है, ये मैंने प्ले स्टोर से जो है स्पेशली डाउनलोड किया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं हॉटस्टार पे, कुछ कंटेंट जो है प्ले कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि हॉटस्टार किस तरह से जो है इस टीवी में जो है प्ले होता है। तो यहाँ देखिए एकदम सेम मोबाइल जैसा ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कोई भी कंटेंट आप चला सकते हैं। तो कोहली का मैंने इनिंग जो है सेलेक्ट किया है, ये देखिए प्ले हो रहा है। ये कमाल का शॉट था, ये कलाई का शानदार। हम लोग चलते हैं 4K। देखिए 4K कैसे प्ले होता है, तो YouTube पे हम लोग गए हैं। YouTube पे देखिए कोई भी आप 4K जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी, जैसे मैंने सोनी 4K जो है वीडियो सेलेक्ट किया है। तो यहाँ देखिए पहला वीडियो जो है हम लोग प्ले कर लेते हैं। इसके रिजोल्यूशन ज़रूर चेक कर लें कि ये 4K पे चल रहा है कि नहीं। देखिए नीचे आपको राइट हैंड साइड में आपको वहाँ रिजोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, 3840 करके इंटू कुछ, ये देखिए नीचे तरफ राइट हैंड साइड में बिल्कुल नीचे की तरफ, और ऊपर भी आपको 4K जो है दिख रहा होगा। देखिए क्वालिटी कितनी शानदार है, गजब की क्वालिटी है, और HDR जो है वो इस क्वालिटी को और भी खूबसूरत कर देता है। कलर जो है देख रहे हैं कितना शानदार लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि बाहर आ जाएगा TV से, तो बहुत ही शानदार है। जो भी YouTube से हम लोग चलाए हैं, तो हम लोग कनेक्ट करते हैं वाईफाई से। तो देखिए यहाँ वाईफाई है, जब आप सेटिंग में जाएंगे तो ऊपर ही पहला ही लैन, अब यहाँ से इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है, आप जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करते हैं हॉटस्पॉट से, बिल्कुल उसी तरह आपको कनेक्ट करना है, कोई भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ इस टीवी के रिमोट में बिल्ट इन माइक्रोफोन है, जिसे आप गूगल असिस्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गूगल असिस्टेंट को आप कोई भी कमांड दे सकते हैं, वो उसे फॉलो करेगा। अब हम लोग चलते हैं, मैंने इसमें पेन ड्राइव लगाया है 32 GB का। तो एप्लीकेशन में जाते हैं हम लोग नीचे की तरफ, जैसा ES फाइल मैनेजर मैंने स्टार्टिंग में डाउनलोड किया था उस पर हम लोग जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो पहला है वो इंटरनल स्टोरेज शो कर रहा है, जो दूसरा है मैंने जो पेन ड्राइव लगाया है वो शो कर रहा है। तो हम लोग उसके अंदर जाते हैं और एक ऑडियो प्ले करते हैं, तो वो YouTube लाइब्रेरी से है। तो देखिए इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसी है इस टीवी की। इसमें 10-10 वाट के दो स्पीकर हैं, जो काफ़ी अच्छा ऑडियो क्वालिटी जो प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, काफ़ी अच्छा ऑडियो क्वालिटी है। अब हम लोग DTH प्ले करने वाले हैं, वीडियो कॉन लगा हुआ है HD। तो हम लोग देखते हैं, जैसा कि अब मैंने आपको बताया पावर बटन के नीचे वाला बटन जो है आप प्रेस करेंगे जब ऐसे, तो ये जो है आपका शिफ्ट हो जाएगा जो भी आप जाना चाहते हैं। वीडियो कॉन अगर आपके यहाँ लगा है, एयरटेल लगा है, तो ये चैनल से HD चैनल से आप जैसा कि देख सकते हैं कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है जो HD क्वालिटी है। फुल HD तो अभी तक नहीं आया है DTH में, तो आप देख सकते हैं HD क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। अब हम लोग चलते हैं नॉर्मल क्वालिटी में, नॉर्मल क्वालिटी पे कैसा चलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो पिक्चर क्वालिटी है वो थोड़ी पिक्सलेट हो रही है। जी हाँ, उतनी शार्प नहीं है जितनी शार्प वो HD की क्वालिटी थी। अब हम लोग इस टीवी में ब्राउजिंग करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूँ जो ये ऐप है पफिन ब्राउज़र, मैं आपको बता दूँ मैंने इसे जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं
मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिल रही हैं वो चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैंने मोबड्रो यहाँ से डाउनलोड किया है और एनईटी लाइव टीवी था वो भी मैंने यहीं से डाउनलोड किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने स्नैपट्यूब जो है डाउनलोड किया और उसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं स्नैपट्यूब को। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, मैं आपको बता दूँ। तो ये देखिए जो ये स्नैपट्यूब है ये ऑप्टिमाइज नहीं है टीवी के लिए। जी हाँ, ये मोबाइल में काफ़ी अच्छे से वर्क करता है लेकिन ये जो है टीवी में ऑप्टिमाइज नहीं है, ये हॉरिजेंटल चल रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है यूज़ करना जो है टीवी में। मैं आपको बता दूँ ये क्रोम कास्ट, जी हाँ गूगल कास्ट जो है ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आप यहाँ गूगल कास्ट में जाएंगे, तीसरा नंबर है आप टीवी में सेटिंग में जाने के बाद। उसके बाद मोबाइल में आप कास्ट में जाएंगे, मैं आपको बता दूँ डिस्प्ले ऑप्शन में, डिस्प्ले सेटिंग में ये आपको मिल जाएगा कास्ट। वहाँ पर आप जाएंगे तो जो भी आप कास्ट ऑन करेंगे टीवी का तो ऐसा आपको एंड्रॉयड टीवी करके आएगा। आप उसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही आप देख सकते हैं टीवी में देखिए बिल्कुल मोबाइल जैसा, जैसा मोबाइल में प्ले करेंगे वैसा वैसा टीवी में प्ले होगा। जी हाँ, जो भी आप वर्क मोबाइल में करेंगे वो टीवी पे शो होगा जो भी आप काम करें। तो मैं आपको बता दूं मैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वर्क करने वाला हूं, जैसे हम लोग गेम खेलने वाले हैं। देखिए पहला गेम है जो भी मोबाइल में खेलेंगे आप उसे बड़े स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो ये देखिए क्रिकेट गेम है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता दूं इतने बड़े में अगर चल रहा है तो काफ़ी शानदार लग रहा है, जो बड़े डिस्प्ले पे देखने का मज़ा ही कुछ और है उस गेम का क्रिकेट। तो अब हम लोग चलते हैं जो है नेक्स्ट चीज़ पे। तो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट गेम हम लोग खेलने वाले हैं जो है टेकन। जी हाँ, टेकन गेम खेलने वाले हैं हम लोग। ये देखिए, और मैं आपको बता दूं ये देखिए मेरा जो फ्रेंड है वो प्ले हो रहा था तो लड़की और लड़के से फाइट हो रहा था जो जेन्युइन नहीं मुझे लगता, और लड़की को जो है परफेक्ट मार दिया गया जो काफ़ी गलत बात है, आगे से ध्यान रखा जाएगा इस बात का। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें थी आप कास्ट से कर पाएंगे आसानी से। मैं आपको बता दूं मैं 4K कंटेंट भी प्ले करके दिखा देता हूं आपको MX प्लेयर से कास्ट करके। ये देखिए ये 4K जो है कंटेंट है, ये उतना शार्प नहीं है जितना शार्प हम लोगों ने यूट्यूब से चलाया, लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी शार्प है। आप देख सकते हैं ये 4K कंटेंट है, जो कलर की कॉन्ट्रास्ट कितनी अच्छी है, जो HDR है वो कितने अच्छे से वर्क कर रहा है, HDR जो इसमें डिस्प्ले दिया गया है तो जो कलर्स हैं वो कितने पंची आ रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो ये देखिए क्रैब है कितना शानदार लग रहा है, कितना बेहतरीन जो है क्वालिटी जो है आ रहा है, ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी जो है कलर कंट्रास्ट है। तो आप कोई भी आप यूट्यूब पर आप कोई भी मीडिया प्ले कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर यूट्यूब पर हम लोग एक डेमो देख लेते हैं, ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ प्ले कर सकते हैं यूट्यूब से जाके, आप व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं जैसा कि हम लोग करने वाले हैं। आप देखिए यहाँ पे हम लोग वीडियो कॉलिंग करके आपको डेमो देते हैं। देखिए आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आप कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े स्क्रीन पर आप जो है वीडियो कॉलिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं ये गूगल क्रोम कास्ट के द्वारा। जो ये रिमोट है मैं आपको बता दूँ गूगल असिस्टेंट जो है आप जब पुट करेंगे तो आप देखिए नीचे की तरफ जो गूगल असिस्टेंट ओपन हो गया। आप कोई भी चीज़ ओपन किए हैं तो उसे आप बैक बटन करेंगे तो बैक पे चला जाएगा, मतलब मेन पे, और जो एरो की है उससे देखिए बैक पे चला गया। अगर मैं आपको बता दूं अगर आप म्यूट पे क्लिक करेंगे तो देखिए म्यूट हो गया। अगर मैं बात करता हूँ पावर बटन के नीचे वाला क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ ये आ गया, आप टीवी जो है प्ले होने लगा। और होम बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो मेन पेज पे आ जाएंगे, जो मेन UI पेज है उस पे आप आ जाएंगे। ये देखिए ऐसे ये जो है ये सारी चीज़ें आप रिमोट से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि स्मार्ट रिमोट है, ऊपर की तरफ जो ग्रीन कलर का जल रहा है वो माइक है, वहाँ से आप कुछ भी गूगल असिस्टेंट को आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे और कोई भी कंटेंट आप प्ले कर सकते हैं और कोई भी चीज़ आप इस टीवी में आप कर सकते हैं। कास्ट के द्वारा आप गेम खेल सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें आप इस टीवी में आसानी से कर सकते हैं। और ये काफ़ी शानदार टीवी है, मैं आपको बता दूँ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार रहा है इस टीवी के साथ, काफ़ी ज़बरदस्त जो इसकी क्वालिटी है, डिस्प्ले क्वालिटी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो रिमोट है ये ऐसे ही नहीं वर्क करता है स्मार्ट तरीके से। तो यहाँ आप जाएंगे ऐड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देख रहे हैं ऐड एसेसरीज़। तो यहाँ पे देखिए एरो की लेफ्ट वाला और होम बटन दोनों एक साथ आप अगर प्रेस करेंगे तो आपका जो है रिमोट जो है पेयर हो जाएगा टीवी के साथ, तब आप गूगल असिस्टेंट का लाभ उठा पाएंगे, वैसे आप नहीं उठा पाएंगे। जब तक पेयर नहीं होगा तब तक आप इस गूगल असिस्टेंट का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं दूसरा नंबर जो होगा टीवी में देखिए ऐड एसेसरीज़ में
दूसरा नंबर ME1 के नीचे, वो देखिए टीवी रिमोट जो ऐड हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये टीवी की रिव्यू पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।